स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम एट्थ क्लास का चैप्टर सिक्स कर रहे थे, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। उसमें हमने 6.4 एक्सरसाइज जो है उसके 6 सम तक वीडियो जो है वो रिवाइज कर ली हुए हैं। अब नेक्स्ट 7 सम देखो। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी राइट ट्रायंगल एट बी इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड ए सी। एक राइट ट्रायंगल दी हुई है हमें, क्लियर। आपको पता है ये राइट ट्रायंगल का साइन है 90 डिग्री जो है एंगल बने, तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे बी सी हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए सी वो कह रहा है फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट आपको याद होगा 7th क्लास में हमने 6th चैप्टर जो था उसमें 6.5 एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही सम किए हुए हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आप जानते हो पाइथागोरस जो हैं वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने हमें ये इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, जरूरी है कि राइट ट्रायंगल ही होनी चाहिए और उसकी दो साइड्स परपेंडिकुलर, ये वाली साइड ये बेस और ये सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज, क्लियर। सबसे बड़ी वाली साइड जो है उसका स्क्वायर दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वहाँ पे भी हमने ये सीखा था कि जब भी बड़ी वाली साइड निकालनी हो, ठीक है, राइट ट्रायंगल में, तो दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगी सामने वाली साइड, क्लियर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि जो भी बड़ी वाली साइड होगी उसके ऑपोजिट दोनों साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे तो वो सामने वाली साइड का स्क्वायर आ जाएगा, देन उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फिल कर लोगे, ए बी हमें गिवन है, बी सी गिवन है, अब ए बी के प्लेस पे 6 ऊपर स्क्वायर है, देन प्लस का साइन, बी सी के प्लेस पे 8 ऊपर स्क्वायर, अब दोनों का 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 था 36, प्लस का साइन, 8 जा 64, दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ गया 100। लेकिन स्टूडेंट हमने ए सी स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है ए सी फाइंड आउट करो। तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ स्क्वेयर्स बनाएंगे। अब 100 हमें पता है कि किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 10 को, तो उसकी पावर 2 डाल सकते हैं, ये 100 ही हुआ, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वेयर जो हैं सेम सेम कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ए सी जो है हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यही फाइंड आउट करना था हमने। अब स्टूडेंट ये याद रखना है कि जब भी बड़े वाली साइड फाइंड आउट करनी है तभी हमने ऐड करना है, अगर इन दोनों में से कोई साइड फाइंड आउट करनी पड़े देन माइनस करेंगे बड़ी वाली साइड से, जो भी दोनों में से एक साइड निकालनी होगी जो दी होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टूडेंट इसी का सेकेंड सम देखो, 7th सम का। उसमें ए सी आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर और बी सी जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है, देन वो कह रहा है कि फाइंड ए बी, ये वाली साइड जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमने कौन से थ्योरम से यूज़ करके साइड निकालते हैं, पाइथागोरस। तो ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो बड़ी वाली साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, दूसरी दोनों साइड के प्लस के इक्वल, क्लियर। तो अभी हमने पहले सम में आपको बताया था जब भी ये वाली साइड निकालनी हो देन एडिशन करते हैं, जब भी यहाँ से ये दोनों में से कोई साइड निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का माइनस 25 आ गया।
तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पहले सामने लगाया वही फॉर्मूला लगा के देन आप सॉल्व द इक्वेशन जैसे करते हैं, ए बी को इस साइड ही रहने दिया, 25 को दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 144। अब 144 जो है किसका स्क्वेयर होता है, 12 का, तो स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल हो गए, यहाँ पे ए बी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8th सम है स्टूडेंट्स, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, तो वो क्या चाहता है, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो ऐसे प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो सेम आए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर फॉर इट। तो कहता है इसके लिए बताओ कि उसे और कितने प्लांट जो हैं वो चाहिए, कितने की नीड और है उसे। तो स्टूडेंट जब हमने 6.4 इसी एक्सरसाइज में ऊपर 6 सम जो किया था, व्हाट शुड बी एडेड, ये वैसा ही सम है, इसमें भी वो कह रहा है ना कितने और चाहिए, यानी कि कितने और ऐड करें, है ना। तो एडिशन वाला सम है, उसमें कैसे किया था हमने, पहले जो भी दिया हुआ है उसका हमने स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लेना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करके स्टूडेंट, अगर डिवीजन मेथड आपको नहीं अच्छे से अभी भी क्लियर हुआ, देन आप दोबारा से 6.4 का फर्स्ट सम जो है उसे रिपीट करो वीडियो को और ध्यान से समझो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट मेथड डिवीजन मेथड लगा के स्क्वेयर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया, 31 आया। अब एडिशन वाले सम में क्या करना था, 31 में 1 ऐड करते हैं, 32 आ गया, 32 का स्क्वेयर किया 1024। अब जो भी यहाँ पे स्क्वेयर करके आया उसमें से जो क्वेश्चन था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो नंबर आएगा वो हमने ऐड करना है। इट मीन्स 1024 जो है वो हमें, ये 24 और प्लांट चाहिए, है ना, इतने टोटल प्लांट होंगे तभी गार्डनर जो है वो अच्छे से उसको रो वाइज और कॉलम इक्वली सेट कर पाएगा। तो गार्डनर रिक्वायर्ड कितने और उसे चाहिए, 24 मोर प्लांट्स। तो स्टूडेंट 9th सम है नेक्स्ट हमारे पास, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, एक स्कूल में कहता 500 चिल्ड्रन हैं, फॉर पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है कि पीटी के लिए उनको खड़े करना है तो कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट और इन दिस अरेंजमेंट, ऐसा करने से कितने बच्चे जो हैं वो हटाने पड़ेंगे, लेफ्ट करने पड़ेंगे, है ना। पिछला सम जो था उसमें मोर ऐड किया, यहाँ क्या है, लेफ्ट मीन सब्ट्रैक्ट। तो जो हमारा 5th सम था सब्ट्रैक्ट वाला, है ना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेम वैसे ही करेंगे। पहले 500 का जो है स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर लेंगे डिवीजन मेथड से, देन जो भी लास्ट पे रिमाइंडर बचा उसको क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर। तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर। अब परफेक्ट स्क्वेयर नहीं उसने पूछा, उसने सिर्फ हमें पूछा कि कितने लेफ्ट करें, तो जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा वही हमारा नंबर है कि इतने बच्चे जो हैं वो हमने लेफ्ट करने। और ईच रो में जो यहाँ पे स्क्वेयर रूट वही आएगा 22, इन ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 22 एंड लेफ्ट आउट ऑफ चिल्ड्रन आर 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब इसको अच्छे से रिवाइज करो दोबारा से, बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी ये अच्छे से आएंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज आएंगी हर एक सम में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो।